हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं सक्षम जैन आप सभी को स्वागत करता हूँ। गाइस वीडियो करना भाई, लाइक शेयर चैनल कर दें सब्सक्राइब। भाई बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं, तो आप लोगों से क्या कहते हैं, कैसे हैं आप लोग, पहले कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। और देखो क्या कहते हैं, मेरे को पता है आप लोग भाई बहुत इंतजार कर रहे थे वीडियो को, तुम्हें भी पता है एग्जाम चल रहे हैं और अभी भी चल रहे हैं। टैक्स के पेपर में 2 दिन की छुट्टी थी, तो इसलिए भाई आज का मैंने सोचा कि आधा घंटा आप लोगों के लिए निकाल लिया जाए, तो एक वीडियो बना ली जाए। ठीक है, माइंड नहीं हो रहा, थोड़ा ऐसा प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा था। एक पूरा टाइम चाहिए होता है भाई किसी को, अगर हम आप लोग कुछ प्रोवाइड करा रहा हूँ मैं, तो मैं अपना सोचता हूँ कि बिल्कुल बेस्ट दिया जाए आपको किसी भी चीज़ की। मतलब कोई फेक नहीं होना चाहिए, मतलब जो होना चाहिए सच होना चाहिए, आप लोगों को किसी प्रकार से लॉस नहीं होना चाहिए। मतलब मैं अगर आपको कुछ प्रोवाइड ना करा पाऊँ तो चलेगा, लेकिन जो भी प्रोवाइड कराऊँ भाई, ऐसा कराऊँ कि आप लोग मेरे को आके थैंक यू बोलो। मतलब आप लोगों का बेनिफिट होना चाहिए जो चीज़ मैं प्रोवाइड कराऊँ, इसलिए एम यही रहता है। तो इसलिए मैंने पूरा मतलब एक माइंड सेट बनाया आज की, भाई आज निकालनी है। मतलब मेरा था पहले से कि जैसे मैं कोस्ट का पेपर देने जा रहा था, तो मेरा जब से ही था कि बनानी है वीडियो, तो मैंने आते वक्त भी रास्ते में सोचा था कि भाई क्या किस तरीके से आप लोगों को अब चार्ज अप किया जाए, क्या चीज़ बताई जाएगी जो आपके बहुत काम आने वाली है। फिर मैंने बहुत सोच समझ कर समझा कि अब आपके पेपर के 30 दिन बचने वाले हैं आखिरी। अब टारगेट आपको ये करना है कि आपको पेपर में स्कोर हाईएस्ट कैसे करना है, कि पहले बात तो पेपर क्लियर कैसे करना है। ठीक है, तो अब हम पूरी बात करने वाले हैं डिटेल में कि 30 दिनों में अब आपकी क्या स्ट्रेटेजी रहने वाली है, और किस हिसाब से आप 250+ स्कोर कर सकते हैं और 200+ मतलब पास हो सकते हैं। ठीक है, पहले तो भाई वीडियो की शुरुआत करते हो, आप लोगों को एक चार्ज अप सा करे, तो मेरे को एक बहुत अच्छी बात लगती है। आप लोगों की सुनोगे ना तो मतलब निराश नहीं होना, आपको इस बात को सुनना बिल्कुल ध्यान से। सी रचना तो मैडम, सी रचना राणा दे मैम है ना, उनका मतलब कहावत है, जैसे आपने सुन भी रखी होगी इंस्टाग्राम पे रील वगैरह चलती है कि, अरे एक मिनट हो गया, मैं भूल गया, मैं ध्यान देती पहले से, एक मिनट था उनका यार कुछ कि मुश्किल क्या आसान क्या मंजिल को अपना मान लिया था। हाँ हाँ भाई ध्यान आ गया। तो क्या था कि आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, मुश्किल क्या आसान क्या ठान लिया, तो ठान लिया भाई। अब तुम्हारे लिए भी, हम लोगों के लिए भी सीए ऐसे ही है कि आंखों में अरमान ले लिया है कि भाई सीए बनना है, तो मुश्किल क्या आसान क्या भाई, मंजिल को अपना मान लिया है तो मान लिया, कुछ भी नहीं देखना, मतलब कुछ भी होता है सीए तो बन के ही रहना है। ठीक है, तो अब वीडियो को शुरुआत करते हैं कि लास्ट 30 डेज बचे हैं, आपको क्या प्रॉपर प्लानिंग करनी है, क्या स्ट्रेटेजी रखनी है और किस हिसाब से आपको तैयारी करनी है। इन 30 दिनों को 15-15 दिन में अलोकेट कर लीजिए, मतलब इस तरीके से रखिए कि 15 दिन आपको, 2 दिन मतलब 2 हिस्से बनाइए 15-15 दिनों के, मतलब 1 15 दिन आगे 1 15 दिन पीछे। ठीक है, 15 दिन में 2 सब्जेक्ट उठाने हैं जो आपके सबसे क्रिटिकल सब्जेक्ट है एक तरीके से देखा जाए तो। उठाना है आपको भाई 15 दिनों में शुरू के में अकाउंट्स, वो अकाउंट्स नहीं सॉरी, मैथ्स और लॉ, लॉ का टाइम रखना है आपको। और अब लास्ट 30 डेज में मिनिमम या 10 to 8 आवर निकालने ही पड़ेंगे पास होना है तो। मॉर्निंग का टाइम पूरा लॉ को डेडिकेट रहना चाहिए, मॉर्निंग के कम से कम 2-3 घंटे, सुबह 4 से 6-7 बजे तक के बीच में 5-5 मिनट का गैप लेके 1 घंटे के बाद। ठीक है, क्योंकि रिफ्रेशमेंट भी जरूरी है माइंड का, एकदम स्ट्रेस लेके पढ़ोगे तो कुछ नहीं होने वाला, खुद पे विश्वास रखना है सबसे बड़ी बात यही है। यही मैं आपको हर समय कहता हूँ कि सेल्फ कॉन्फिडेंस इज द की ऑफ सक्सेस, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, क्या बता रहा था मैं, हाँ, तो हर मतलब 5-5 मिनट का गैप लेना है आपको हर 1-1 घंटे के बाद। और फिर आपको क्या करना है भाई, 3 घंटे जैसे आपने 7 बजे तक लोगों को दे दिया, 8 से 10 घंटे की बात चल रही है अभी, 3 ही घंटे हुए, ध्यान से सुनना। अपना 2 घंटा आप अपने डेली रूटीन वर्क के लिए लीजिए, नहाना नाश्ता मतलब जो करना है आपको कर लीजिए 9 बजे तक। 9 बजे लेके बैठिए आप मैथ्स, क्योंकि भाई खा पी के नाश्ता वाश्ता करके बैठोगे तो थोड़ा सा लेस एनर्जेटिक फील करोगे, क्योंकि खाना खाने का नींद सी आती ही है, हल्की फुल्की तो आती है भाई, मुझे तो आती है, तुम्हारा पता नहीं भाई। तो 9 से 11-12 बजे तक अपना मैथ्स को टाइम दीजिए अच्छे से। ठीक है, फिर अगर चाहो तो क्या कर सकते हो, 1 घंटे की एक नैप ले सकते हो, 2 घंटे की नैप ले सकते हो, मतलब 1-2 घंटे थोड़ा सा सो सकते हो। अरे यार सोना भी जरूरी है, क्योंकि देखो स्ट्रेस से कुछ नहीं होने वाला, पूरा एकदम माइंड रिलैक्स रहना चाहिए, क्योंकि भाई माइंड एकदम फ्रस्ट्रेट हो ही जाएगा अगर आप ऐसा थक जाएगा एक तरीके से, कुछ भी लगा लो तो नैप लेने का। जैसे आप 2 बजे उठ गए मेरी, फिर आपने क्या कहते हैं अपना लंच वगैरह जो करना है 2-3 बजे अपना कर लिया, फिर उसके बाद क्या कहते हैं, माना उस टाइम आप लेस एनर्जेटिक फील, लेकिन आप लंच करने के बाद मतलब क्या कहते हैं, सोने का लंच करोगे ना तो आपको नींद नहीं आई, क्योंकि आपकी जो नींद है पहले ही आप ले चुके होगे। फिर आप क्या करना, लो को उठाना और फिर पढ़ना चालू करना उसको। अब कम से कम याद ध्यान रखना 1 से 2 घंटा लो को फिर देने, 1 या 2 घंटे लो को देने हैं। और क्या करना है आपको, देखो 3 बजे आप उठे, मतलब 2 बजे उठे, 3 बजे तक नाश्ता वास्ता मतलब खाना वाना खा लिया आपने, फिर 3 बजे बैठे, 3 से 5 आपने लो पढ़ ली, कितने घंटे हो, सुबह 3 और 2 5, 5 बजे से 6 बजे तक आप क्या कहते हैं 1 घंटा और ले लो मेरी तरफ से, घूमो फिरो ऐश करो जो करना है खूब करो, फोन वोन चलाओ मतलब बाहर घूम के आओ एक तरीके से मानो तो। ठीक है, फिर 6 से 7 बजे तक जो आपने सुबह 5 घंटों में पढ़ा है, 3 घंटे सुबह
और जो 2 घंटे पढ़ा उसको 5 घंटों में अच्छे से रिवाइज कर लो। देखो 6 घंटे हो गए ये, ठीक है, मतलब हो जाएगा 1 सवा घंटे में, जो आपने सुबह अच्छे से पढ़ा और दोपहर में पढ़ा, ठीक है, रिवीजन कर लिया आपने अच्छे से, फिर कितने बज गए, 6 बजे तक, हाँ 7 बज गए भाई, फिर क्या कहता है आधा घंटा और ब्रेक लो मेरी तरफ से, ठीक है, 7:30 बज गए, फिर 7:30 से 8:30 2 घंटे मैथ्स पढ़ो, फिर से 8 से 10 घंटे ज़्यादा टाइम हो जाएगा, देखिए 10 घंटे की बता रहा हूँ, अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हो इसको, ठीक है, 8:30 से 10 बजे तक करो, फिर वो 7:30 से 9:30 तक करो, फिर 9:30 से 10 बजे तक क्या कहते हैं डिनर वगैरह कर लो भाई, जो लोग दिन से खाते अपना एडजस्ट कर लें, जैसे मेरे जैसे बच्चे हो कोई, वरना 9:30 से 10 बजे तक डिनर करो, फिर 10 से 11 11:30 तक पढ़ो, ठीक है, फिर 11 साढ़े 11:30 बजे देखो सो जाओ, अगर सुबह 4 बजे उठ रहे हो ना तो मतलब आपको 4.5 घंटे की नींद रात में एक साथ चाहिए ही चाहिए, तो 4.5 घंटे सो जाओ, मतलब 11:30 बजे तक सो जाना, 1.5 घंटे फिर से पढ़ के। अब देखो मैथ्स का टाइम क्या हो गया आपका सुबह 9 से 12, 10 11 12, ठीक है, 3 और 2 घंटे, 3 घंटे शाम के, 6 घंटे मैथ्स के और 6 घंटे आप लो के लगा लो, तो 12 घंटे का स्केड्यूल बता दिया, और ऐसा स्केड्यूल है कि हर कोई बच्चा इसे मैनेज कर सकता है, आपको पूरा टाइम दिया इंजॉयमेंट का और पूरी चिल फिल्म वन पूरा चिल फन वगैरह सब कुछ रखा है इसमें आपके लिए, मैंने खुद भी ऐसी पढ़ते थे, तुम्हें भी ऐसी पढ़ा रहे भाई, देखो टेंशन अपने को नहीं होनी चाहिए, अपन जो वीडियो देख रहा है मुझे पता है भाई आप लोगों का प्यार बहुत सारा है मेरे लिए, और इतने अच्छे से मैसेज करते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मतलब बहुत खुश तो रहता ही हो यार, मैं देखो तुम लोग मैसेज करते हो, झूठ क्या बोल रहा है यार, अलग सी खुशी रहती है मेरे को जिंदगी में किसी से इतना, मतलब देखो घर वालों की अलग बात है लेकिन बाहर लोगों से ऐसा कोई किसी ने आज तक दो शब्द प्यार के तो क्या ही बोले, लेकिन तुम लोग जब बोलते हो ना तो आत्मा को अंतर तक खुश हो जाती है, ठीक है। और फिर बात करते हैं आखिरी 15 दिनों की, तो आखिरी 15 दिनों में आप क्या करना है, जैसे आपने 15 दिनों में पूरे यही रूटीन करना है, आपको क्या करना है कि 10 दिन के अंदर दोनों का कोर्स निपटा देना है अच्छे से, लो और मैथ्स का रिवाइज करके, ठीक है, बाकी के 5 दिनों में क्या करना है आपको, थोड़ा बहुत जो रह जाता है एक आध दिन और ले लो उनके लिए, और फिर आपको क्या कहते हैं भाई मैथ्स में पास्ट 10 ईयर सीरीज जरूर देखते चला प्लीज भाई प्लीज, है ना, वो सातों सात 10 दिनों में देख लेना अच्छे से, 10 12 दिनों में मान लेना भैया, है ना, लो में क्या कहते हैं पास्ट 5 ईयर पढ़िए, वो बीएसआई वाले चैनल पे ही देख लेना, ठीक है, और फिर क्या करना है आपको अपने आप को चार्ज अप करना है 5 दिनों में बचे हुए 15 दिन, जैसे 10 दिन के 5 दिन बचे, मॉक टेस्ट लिख के देखने हैं, रिटर्न प्रैक्टिस करनी है, आरटीपी सॉल्व करनी है, पास्ट ईयर क्वेश्चन देखने हैं कि कैसा क्वेश्चन आ रहा है लॉ में तो खासकर, और मैथ्स का क्या करना है पास्ट ईयर पेपर देख लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, रिटर्न प्रैक्टिस जरूर कर लेना, एक दो मॉक टेस्ट पेपर लिख लेना, देखो एज अ प्रैक्टिस लेना, एज अ जजमेंट मत लेना कि मैं अपने आप को इससे जज कर रहा हूँ, जज किसी चीज़ से नहीं करना है अपने आप को, जज तो सिर्फ आईसीआई करती है, वो भी छोड़ो उसको यार, तुम ज़्यादा सिरदर्दी नहीं लेनी है, लेकिन रिटर्न प्रैक्टिस जरूर कर लेगा। बाकी 15 दिनों में आपको क्या करना है अकाउंट्स और ईको के लिए, देखो भाई ईको के लिए मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि क्या करना है, सीटीसी क्लासेस के रिवीजन लेक्चर देखो और अपने आप को प्रिपेयर करते चलो, ठीक है, और फिर 10 दिनों में ऐसे ईको, यार बीसी के ईको 10 दिनों में आराम से लगे, दिन के अगर 3 घंटे भी ईको को दे दिए ना अच्छे से, 2.5 घंटे भी ईको आराम से लगे, ईको को बताने के लिए आपको कोई जरूरत नहीं होनी चाहिए, लेकिन अकाउंट्स के लिए बता दो आपको करना है 10 दिनों में पूरे आईसीआई मॉड्यूल के क्वेश्चन, ठीक है, अब टाइमिंग देखो यही रखनी है आप लोगों को, लो की जगह इको रख लेना और मैथ्स की जगह अकाउंट्स रख लेना, मतलब अपने आप इंटरचेंज कर लेना, क्या करना है अब आपको क्या बता रहा था अकाउंट्स बता रहा था, तो भाई अकाउंट्स के लिए आपको क्या करना है आईसीआई मॉड्यूल के सारे क्वेश्चन सारे चैप्टरों के, जो चैप्टर आपने अच्छे से कर रखे ना पहले उनको जल्दी से जल्दी कर लेना, और उनके आईसीआई मॉड्यूल के क्वेश्चन, और हाथों हाथ आरटीपी में भी देखते जाना कि उनके कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, और पास्ट ईयर पेपर भी हाथों हाथ कर लेना एक एक चैप्टर के, ठीक है, अकाउंट्स के लिए स्पेशल, और फिर हार्ड चैप्टर उठाना, मतलब 10 दिनों में आपको आरटीपी अकाउंट्स का आईसीआई मॉड्यूल स्टडी मैट के सारे क्वेश्चन मतलब एज अ ऑडिटिंग अप्रोच में करने हैं, रिटर्न अप्रोच में सिर्फ एक या दो क्वेश्चन गिने चुने करने हैं जो आपको बहुत ज़्यादा हार्ड लगते हैं या जिनको आपको ऐसा लगता है कि आप भूल सकते हो, उनके स्टार मार्क भी बना लेना हाथों हाथ की आपको यहाँ डाउट है तो पेपर में आपको आसानी रहेगी जब आप पेपर देने जाओगे, ठीक है, मतलब ऐसा 1.5 दिन में रिवाइज करने के 1.5 दिन की लाएंगे स्पेशल वीडियो कोई दिक्कत नहीं है, और आपको क्या करना है इनके भी बचे हुए 5 दिनों में प्रैक्टिस दब के करनी है, देखो 15 दिन में मतलब ऐसे ही बचेंगे आपके 5 दिनों में, फिर आपका अकाउंट्स का पेपर भी होगा तो उसमें से आपको क्या करना है ईको तो हाथों हाथ तैयारी कर लेनी है 2 दिनों तक, लेकिन फिर क्या कहते हैं जैसे लास्ट के 10 दिन 8 दिन में जैसे आपने ईको का लोकेट कर दिया, फिर 2 दिन आपने ईको को और देने उसकी पूरा रिवाइज करने के लिए, ठीक है, और जो 5 दिन बचे ना उसमें आपको क्या करना है जैसे 3 दिन आप सेपरेट अकाउंट्स के लिए रख लीजिए पेपर से पहले के, कि जो आपने स्टार मार्क क्वेश्चन करे हैं और जो आपको प्रैक्टिस वगैरह करनी है सारे उन 3 दिनों में अच्छे से, क्योंकि पहला पेपर स्ट्रॉन्ग जाएगा ना तो अलग ही चीज़ बनी रहती है अंदर की, सारे पेपर अच्छे ने, और मैं आपको बताऊँ मेरे साथ पहले पेपर के बाद क्या हुआ था, अकाउंट के अंदर ऐसी हालत हो गई थी ना तुम सोचोगे यार, फिर भी मतलब करा था अपन ने फाउंडेशन के टाइम पे भी मैनेज, तो आपको शेयर करूँगा वो चीज़ आपके साथ भी अगली वीडियो में, शायद हो सकता है वही डालूँ तो देख लेना उसको भी, और यही करना है पेपर से पूरी प्रैक्टिस करनी है, देखो खुद पे विश्वास रखना है, देखो हारना कुछ भी नहीं है कोई हरा नहीं सकता, देखो सच बताओ अगर खुद पे विश्वास है ना तो सिस्टम आर पा रहे, देखो मैंने एक इंटरव्यू लिया था
उस बच्चे उसने 12th के साथ निकाली, उसका स्ट्रगल देखा तुमने, मतलब यार उसने क्लासेस भी ली, रिवीजन भी करा और उसने पूरा बता रखा, तो उसको भी देख लेना। और लेकिन आप लोगों ने भाई, मैंने सोचा नहीं था कि 1500 व्यूज, मतलब 1500 व्यूज भी आप उस पर करा दो, मैंने 200-300 आके रह जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 1500 व्यूज भाई बहुत मायने रखती है मेरे लिए, बड़ी बात। मेरा पहला इनिशिएटिव था कि मतलब मैंने पहले ऐसा कुछ करा था, और मैं ऐसा नहीं कि पास वाले बच्चों भी लाऊं, जो मतलब जिन्होंने फेलियर से भी डील करा, जो मतलब ऐसे हुए ना उनकी भी लाऊं, क्योंकि पता होना चाहिए गलती उन्होंने कहाँ करी। और सही बताऊं कि जो बंदा फेल होता है ना वो पास होने वाले से ज़्यादा बता सकता है, बस ध्यान रखना। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना, और जल्दी मिलूँ नेक्स्ट वीडियो में। और स्माइल बनी रहनी चाहिए और पॉजिटिव वाइब्स रहनी चाहिए। ऑल द बेस्ट है भाई सभी को।